जुबानी हमले, सियासी बयानबाजियां जो हैं वो भी काफी ज्यादा तेज होती जा रही है। इसके अलावा दौरे जो हैं वो भी तमाम पार्टियों के बढ़ गए हैं। चाहे दो लड़के 7 साल पहले भी साथ आए थे लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कांग्रेस की संभावना बढ़ गई है और उन्हें लगता है कि 17 सीटें मिली है, उनमें से कुछ सीटें जीतने की स्थिति में है। यदि वे 6 या 7 सीटें भी जीत जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का परिदृश्य बदल सकता है। न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका भारत एट 9 में। और आज बात होगी लोकसभा चुनावों को लेकर, जिसका रास्ता यूपी से धीरे धीरे निकलने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। वहां उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया और साथ ही साथ संत रविदास जी के मंदिर पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दलित वोटों को साधने की कोशिश यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। साथ ही साथ अपने संबोधन में उन्होंने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है, उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि काशी के जो युवा हैं वो नशे में रहते हैं, इस पर कोई बात नहीं करता। इसी लाइन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पकड़ा और राहुल गांधी को आड़े हाथों ले लिया, जिसके बाद राहुल गांधी के इस बयान की किरकिरी हो रही है। देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो वक्त है वो अब कम बचा है। तो ऐसे जैसे जैसे वो समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि जुबानी हमले, सियासी बयानबाजियां जो हैं वो भी काफी ज्यादा तेज होती जा रही है। इसके अलावा दौरे जो हैं वो भी तमाम पार्टियों के बढ़ गए हैं, चाहे वो एनडीए की बात कर लें हम, चाहे वो इंडिया गठबंधन की हम बात कर लें, और खासकर कि उत्तर प्रदेश पे सबसे ज्यादा फोकस है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, देखिए 80 लोकसभा सीटें बहुत मायने रखती है। बीजेपी चाहती है कि 80 की 80 लोकसभा सीटें वो जीते, लेकिन इधर एक गठबंधन, दो लड़के साइकिल पर सवार होकर जा रहे हैं, साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं हाथों में हाथ डालकर। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि ये दो लड़के 7 साल पहले भी साथ आए थे लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। एक बार फिर से साथ आए हैं, हाथों में हाथ डाले हैं, क्या कुछ हाथ लगेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण है कि थोड़ा सा गुणागणित कर लिया जाए। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है उत्तर प्रदेश में। हालांकि समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत है, मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन अगर लोकसभा के लिहाज से हम देखें, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात से आते हैं, लेकिन संसदीय क्षेत्र उनका वाराणसी है, तो वाराणसी के लोगों से भी उनका खासा रिश्ता जो है वो जुड़ गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश की भूमि पर, और वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं हमेशा से ही। और अगर राजनीतिक पंडितों की भी हम माने जो एनालिसिस करते हैं इन सब चीज़ों का, उनकी माने तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर एक बड़ा ही सियासी दाव चला है और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो सकता है। यही वजह है कि हर कोई यूपी का रुख करता हुआ नजर आ रहा है। महत्वपूर्ण भी है, बहुत बड़े बड़े यशस्वी दिग्गज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं, और कहा तो ये भी जाता है, इतिहास खंगाले तो, कि यूपी से ही होते हुए रास्ता दिल्ली तक पहुंचता है, दिल्ली की इस राजगद्दी तक। तो अब देखना ये है कि आने वाले समय में क्या उत्तर प्रदेश एक बार फिर से सारथी बनकर उस शख्स को दिल्ली की उस गद्दी पर पहुंचा पाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि सपा कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, वो साथ साथ जो चल रहे हैं, 7 साल पहले भी चले थे, क्या इस बार उन्हें कोई कामयाबी मिल पाएगी, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सेंध लगाने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश दौरे पर पहुंच जाते हैं और हर एक टॉपिक पर अच्छे से विपक्ष को करारा जवाब देते हैं, जैसे राहुल गांधी को लेकर आज उन्होंने दिया है। एक तरफ दलित वोटों को साथ दिया संत रविदास जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करके, दूसरा रोड शो करके ये जनादेश दे दिया है कि जनता कितनी ज्यादा बीजेपी के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है,
और जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी समझ चुकी है कि हाँ ये जो वोट है पूर्वांचल का वो तो हमारे खाते में ही आने वाला है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन चलिए नजर डालते हैं इस सफर पर। राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में है, न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी ने की थी और ये न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पहुंची हुई थी, लेकिन तब अखिलेश यादव वहां यात्रा में शामिल नहीं हुए। हालांकि देखा जाए तो सीट शेयरिंग हो चुकी है लेकिन अभी तक शामिल नहीं हुए इनके साथ। जब यात्रा बिहार में थी तब तेजस्वी यादव ने उस जीप की ड्राइविंग सीट संभाली थी जिस पर राहुल गांधी सवार हुए थे, काफी ज्यादा वायरल भी वो तस्वीर हुई थी, आप लोगों ने देखी भी होगी। लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में होता हुआ नजर नहीं आया है अभी तक। अखिलेश यादव कहते हैं कि जब तक सीटों पर बात नहीं बनती तब तक ड्राइविंग सीट नहीं संभालूंगा, लेकिन अब तो बात बन गई है, तो क्या ये समझा जाए कि अखिलेश यादव अब राहुल गांधी की ड्राइविंग सीट संभालने वाले हैं और पैसेंजर सीट पर राहुल गांधी बैठेंगे। सपा ने कांग्रेस के लिए 17 सीटें छोड़ दी हैं। अगर कांग्रेस के हिसाब से देखें तो कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का कहीं नामो निशान उत्तर प्रदेश में अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए अमेठी थी, अमेठी भी कहीं ना कहीं चली गई, तो एक बार फिर से खड़ा होने की जरूरत है कांग्रेस को, तो 17 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस बात की घोषणा हो चुकी है यूपी में, अब इंडिया गठबंधन की बात बनती दिख रही है और अखिलेश ने बयान भी दे दिया है कि वो केवल यात्रा में ही शामिल नहीं होंगे बल्कि सपा ने कुछ और भी बड़ा सोच रखा है। क्या बड़ा हो सकता है ये तो खैर सपा ही जानती है, लेकिन तस्वीर जो है वो क्लियर होती हुई नजर आ रही है। जो धुंधली तस्वीर थी ना इंडिया गठबंधन की, वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्लियर हो रही है। अखिलेश यादव को रायबरेली में न्याय यात्रा में शामिल होना था जिस दिन, उससे पहले उन्होंने बयान दिया कि जब तक कांग्रेस सीटों पर फैसला नहीं करेगी, गठबंधन पर फैसला नहीं करेगी, तब तक यात्रा में वो शामिल नहीं होंगे। दबाव देखिए बहुत ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि अब चुनाव सर पर है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है, तो कहां का गठबंधन। और ये भी चर्चा होने लगी कि यूपी में इंडिया गठबंधन टूट सकता है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी में घिरे हुए नजर आए, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के नेता बड़े चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया था। पार्टी के अंदर असंतोष की स्थिति देखी जा रही थी, असंतोष यानी कि पार्टी के अंदर ऐसे माहौल था कि नहीं सपा को कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए, सपा को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, बहुत सारी चीजें वगैरह वगैरह थी। पल्लवी पटेल के तेवर भी काफी तीखे थे, कांग्रेस के ऊपर बहुत प्रेशर बना, दोनों दबाव मिले। उसके अगले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव से बात कर ली। बातचीत में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव से कहा कि करीब 1 से 1.5 घंटे के भीतर इस मामले को कहीं ना कहीं सामने हम रख देंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर कांग्रेस इकाई कुछ सीटों को लेकर काफी संजीदा रही है। जिद तो ये थी कि मुरादाबाद और संभल की सीटें उनको चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन में, जबकि अखिलेश यादव को अगर आप देखें तो दोनों सिटिंग एमपी सीटें हैं अखिलेश यादव के पास, तो कैसे दे दे भाई। यहां बात फंस गई। इतना ही नहीं, दोनों सीटों की नुमाइंदगी मुस्लिम सांसदों की है और मुरादाबाद की अगर हम बात कर लें और संभल की हम बात कर लें तो दोनों ही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। संभल के जो सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क, वो कितने बड़बोले हैं और किस तरह से बयानबाजी करते हैं किससे छिपा नहीं है, हालांकि वहां से लगातार सांसद बनते आ रहे हैं, जनता को तो खूब प्यार मिलता है उन्हें। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर लड़ाई हो सकती है उसे लेकर भी काफी सचेत थे। सिलसिला तेज होता रहा और फैसले आते रहे, समझौते की बात होती रही, सीटों के ऊपर भी बात हुई और तस्वीर धीरे 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 साफ हो गई। अखिलेश यादव हालांकि तब लखनऊ में मौजूद नहीं थे जब समझौता हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष के बीच जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब तस्वीर पूरी तरीके से बदली। वो पल ऐसा था जब सपा के भीतर जो बगावत के सुर उभर रहे थे, सहयोगियों के बगावत के सुर उभर रहे थे, उसे उन्होंने पूरी तरीके से पानी फेर दिया यानी कि ठंडा कर दिया। अखिलेश यादव के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी आवश्यक था। गुरुवार का दिन बीता, गुरुवार 22 फरवरी 2024,
अखिलेश यादव को यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण देकर बकायदा कांग्रेस का शीर्ष सपा के दफ्तर गया। समारोह पूर्वक निमंत्रण दिया गया, पूरी तरीके से सम्मानित करके अखिलेश यादव ने कहा कि अब हम ना सिर्फ यात्रा में शामिल होंगे बल्कि हम कुछ और बड़ा प्लान कर रहे हैं। मतलब इसका तो ये साफ है, मतलब कि कांग्रेस और सपा के बीच जो हिचकिचाहट थी अब कहीं ना कहीं दूर हो चुकी है, क्योंकि शीट शेयरिंग पर जो बात फंसी हुई थी, पेज फंसा हुआ था, वो क्लियर हो गया। देखिए, वो होता है ना कि जब दो शख्स आमने सामने बैठे हों और कुछ ऐसा महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो आप पहले करिए, आप पहले बात रखिए, ये वाली स्थिति होती है। लेकिन जब वो कोई तीसरा आके या फिर कोई बड़ा फैसला हो जाए और पेज क्लियर हो जाए ना, तब दो शख्स आसानी से बात कर सकते हैं और अब एक दूसरे की खुशियों में गम में शामिल हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही सपा कांग्रेस का हाल उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। यह यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से जयंत चौधरी ने साथ छोड़ा था। वही जयंत चौधरी जो किसानों के मसीहा कहे जा रहे हैं, वही जयंत चौधरी जो अब शांत बैठे हैं और किसान शम्मू बॉर्डर पर बैठे हैं। खैर, उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश पर जरूर फोकस रहेगा। देखिए, साथ छोड़ा था जो कि कमजोरी मानी जा रही थी, उस कमजोरी को दोनों दल मिलकर कैसे पूरा करते हैं, इस पर सबकी नजर जरूर टिकी रहेगी। इंडिया गठबंधन की तस्वीर बिल्कुल साफ है। देखिए, दूसरी तरफ पल्लवी पटेल का बयान भी आ गया। उन्होंने कहा कि अखिलेश बड़े भाई हैं, वही फैसला करेंगे, हम सभी पीडीए हैं और मैं अपना वोट रामजी लाल सुमन को ही दूंगी, इससे राज्यसभा में उनकी राह आसान हो जाएगी। कुल मिलाकर छोटे छोटे दबाव वाली राजनीति की जा रही है, लेकिन अब फैसला हो गया है और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की तस्वीर साफ है। एक और संभावना के संकेत मिले हैं कि जब रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के घर राम गोपाल यादव गए तो उनसे बातचीत हुई। ये भी दिन गुरुवार का ही था, 22 तारीख। अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा गया कि क्या रघुराज प्रताप सिंह पार्टी में आएंगे। अब सवाल के जवाब में अखिलेश यादव कहते हैं, बिल्कुल, जो भी आना चाहेगा उसका हम स्वागत करते हैं। तो ये घटनाक्रम पूरा इस हफ्ते हुआ है और इस सप्ताह में बहुत कुछ बदला है सपा कांग्रेस के लिए। 7 साल में परिपक्व हुए हैं राहुल और अखिलेश, ये बहुत महत्वपूर्ण। 2017 की बात थी, तस्वीर बिल्कुल अलग थी। कांग्रेस और सपा ने विधानसभा का चुनाव साथ लड़ा लेकिन हार गए, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीते थे। कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन बहुत जल्दबाजी में किया गया था, शायद यही वजह थी कि परिस्थितियां बहुत खराब हो चुकी थी और कहीं ना कहीं इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ और शिवपाल यादव भी अलग हो गए थे। अब ऐसे में अखिलेश यादव के पास ना कोई परिपक्व सलाहकार था और ना ही वो इस तरह की राजनीति के आदी थे। उस बीच कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 100 सीटें ली थी, हालांकि कांग्रेस के पास कैंडिडेट की भी कमी थी। कई जगह इतना भ्रम हुआ कि दोनों पार्टियों के बीच आपस में लड़ाई भी हो गई। अब उस समय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व धूलमूल स्थिति में था। राहुल गांधी में भी परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी की बहुत कमी थी, ऐसा मानते हैं राजनीतिक पंडित, ये हम नहीं कह रहे। लेकिन 2017 से 2024 के बीच जो समय बीता है ना, बहुत बदला है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है वो बहुत महत्वपूर्ण थी और अब जो न्याय यात्रा चल रही है वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लगातार ये कहा जा रहा है कि तब से राहुल गांधी में एक अलग ही मैच्योरिटी देखी जा रही है। धारणा जनता के बीच काफी बदली है, जनता के बीच जब वो पहुंचे हैं तो बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं। हालांकि बीजेपी कहती है कि ये सिर्फ इन्हीं के पैसे से खरीदे हुए भीड़ है। खैर, ये तो आम जनता जानते हैं जिनसे राहुल गांधी मिल रहे हैं, या तो राहुल गांधी जानते हैं जिनसे वो मिल रहे हैं। अब उनकी बातें लोग सुनते हैं और कहीं ना कहीं उसको सीरियस भी लेते हैं। अब सवाल ये है कि 7 साल में जो मैच्योरिटी आई है राहुल गांधी में और अखिलेश यादव में, क्या ये 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की जिताने में कामयाब रहेंगे? 80 में से चलिए 60 ही मायने रखती है, बहुत ज्यादा, चलिए 60 भी छोड़ दीजिए, 40 भी बहुत मायने रखती है कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी की छवि थोड़ी बदली है, क्या वर्तमान बदल सकता है? महत्वपूर्ण। अखिलेश यादव ने मायावती के साथ समझौता किया लेकिन बाद में वो भी कमजोर पड़ गया, सारा फायदा मायावती को पहुंच गया। अखिलेश यादव ने उससे भी बहुत कुछ सीखा। जो देश का माहौल है उससे साफ बात है कि चुनाव वर्तमान सरकार के खिलाफ या उससे समर्थन में होना है, जहां दो ध्रुव हैं और ये ध्रुव के भीतर ही चुनाव लड़ा जाना है।
अब ऐसे में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटों को लेकर समझदारी दिखाई है। अखिलेश यादव के पास उनके कोटे में 63 सीटें हैं, जो कि उन्होंने 3 से 5 तक अपने दूसरे सहयोगियों में बांटने के लिए तैयारी कर ली है। अब देखना यह कि कितना तालमेल बनता है और ये जिम्मेदारी दोनों पार्टियों के नेताओं के पास होगी। हालांकि कांग्रेस के पास पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो प्रभाव डाले, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत मजबूत है। कांग्रेस की संभावना बढ़ गई है और उन्हें लगता है कि 17 सीटें मिली उनमें से कुछ सीटें जीतने की स्थिति में है। यदि वे 6 या 7 सीटें भी जीत जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का परिदृश्य बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। जहां 1 सीट नहीं है वहां अगर 6 से 7 सीटें आ जाएंगी तो बहुत महत्वपूर्ण ये कांग्रेस के लिए हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा होगा। देखिए, ये तो भविष्य के घर में ऐसा होगा या नहीं होगा ये जनता पे डिपेंड करता है कि जनता कितना पसंद करती है दोनों युवाओं को जो साथ चल रहे हैं और 7 साल बाद फिर वापस हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर जो आज काशी में गरजे हैं उन पर जनता ज़्यादा विश्वास करेगी। भारत @9 में इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।